हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फाइंड एन थ्री फ्लिप फ़ोन है, तो ओप्पो फाइंड एन थ्री फ्लिप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा लिमिट है या फिर डाटा यूसेज की लिमिट है, तो डाटा यूसेज लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं ओप्पो फाइंड एन थ्री फ्लिप फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि डाटा यूसेज लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर डाटा लिमिट लगा सकते हैं फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को सॉरी कैसे आप डाटा यूसेज की लिमिट को सेट कर सकते हैं, तो आपको सर्च करना है डाटा यूसेज पर। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको डाटा लिमिट सर्च करना है। तो डाटा यूसेज लिमिट आपके फ़ोन में आ जाएगी, जहाँ से आप डाटा यूसेज लिमिट को सेट कर सकते हैं और डाटा लिमिट भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम पहले डाटा लिमिट लगाना चाहते हैं, तो डाटा लिमिट को लगाने के लिए पहले आपको इसमें सर्च करना होगा 2 GB, तो 2 GB हमने इसमें सर्च कर दिया, यानी 2 GB इसमें सेट कर दिया है जो भी लिमिट आपने लगा दी है। इसमें जाकर आप यूसेज लिमिट को भी सेट कर सकते हैं, जो भी लिमिट आप सेट करना चाहते हैं यूसेज की, तो यहाँ से सेट कर पाएंगे सेट डाटा यूसेज। तो यहाँ से हम यूसेज लिमिट को सेट करना चाहते हैं 1 GB, तो 1 GB हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके करते ही 1 GB यूसेज लिमिट आपके फ़ोन में सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप डाटा यूसेज एंड डाटा लिमिट को फ़ोन में सेट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं ओप्पो फाइंड फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।